क्लास में ही शुरू होता है ये टॉपिक आपका, ये इलेवेंथ में भी आएगा, ये ट्वेल्थ में भी आएगा और आगे भी फिर आता जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है उनको पहले समझ लेते हैं एक बार अच्छे से, ठीक। तो इसमें जो भी दिक्कत आए, जो भी पूछना हो पूछ लेना, शंका मत करना कि पूछो ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहली बात तो डिफाइन होंगे किसमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। सी एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज, एच वाई पी ओ टी ई एन यू एस ई, हाइपोटेन्यूज, ठीक, हाइपोटेन्यूज है। इसको कैपिटल एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, स्मॉल एच से भी कर देते हैं, कैपिटल से भी कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री, बाकी बचे दो एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम 90 होता है और ये दोनों ही क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अब अगर आप एंगल बी को चूज करते हो तो बी के सामने वाली साइड वो कहलाएगी परपेंडिकुलर, और बी से लगती साइड, देखो एक तो हाइपोटेन्यूज हो गई, दूसरी जो साइड है वो कहलाएगी बेस, बी बेस, ठीक है। अगर आप एंगल ए चूज करते हो तो उसके सामने वाली साइड ये कहलाएगी परपेंडिकुलर, और उससे लगती साइड एक तो हाइपोटेन्यूज हो गई, दूसरी हो गई ये बेस कहलाएगी, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर जो है वो डिपेंड करेंगे कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपकी फिक्स हो गई 90 के सामने वाली साइड, और ये सबसे बड़ी साइड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो आप, क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो बताता हूं। उसके लिए आपको कोई एक एंगल चूज करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड होंगे, यानी ए एंगल के लिए अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, बी के लिए अलग, मतलब वैल्यू अलग होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो सेम ही होंगे बट वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, एस आई एन ई, इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, अब्रीविएशन इसका एस आई एन, एस आई एन, ठीक है, एन लिख देता हूं। ये किसी एंगल के लिए डिस्क्राइब होगा, अकेले साइन या अकेले एस आई एन लिख देने का कोई मतलब नहीं है, आपको कोई ना कोई एंगल इसमें बताना पड़ेगा कि किस एंगल का साइन। तो कौन सा एंगल लें पहले, ए या बी, बी ले लेते हैं। तो साइन ऑफ एंगल बी, साइन ऑफ बी इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ये दो साइड्स का रेशियो होगा, किसमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और उसमें साइड्स का क्या होगा, ये रेशियो होगा। तो जब मैं यूं कहूंगा कि साइन बी, इसका मतलब एंगल बी के लिए कुछ साइड्स का रेशियो लिखना है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी साइड होंगी वो मुझे इससे पता चलेगा कि मैं साइन यूज कर रहा हूं, कोसाइन यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं, ठीक है। सो साइन में कौन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, एक तो परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सी है इस ट्राइंगल में, आ जाइए अब, एंगल बी की परपेंडिकुलर कौन सी है, एंगल बी के सामने वाली साइड, तो ये बाकी तो मिटा देता हूं, अब मैं इसकी तो जरूरत नहीं, मुझे एंगल बी के ऊपर ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एंगल बी के सामने वाली परपेंडिकुलर यानी ए सी तो परपेंडिकुलर हो गई, और हाइपोटेन्यूज अपनी ए बी है, ठीक है। तो साइन बी का मतलब है कि एंगल बी वो मुझे देखना है, और साइन का मतलब है कि इन दो साइड्स का रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू, इसको भी एब्रीवेशन में लिखते हैं कोस से, सी ओ एस, कोस ऑफ बी इक्वल्स टू, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस देखो अब कौन सा है, एंगल बी के लिए बेस हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो एक ही है ए सी, ए सी नहीं सॉरी ए बी है ना, हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक है। तो कोस के लिए इन दो साइड्स का रेशियो, और साइड्स कैसे चूज करूंगा मैं, एंगल देख के कि किस एंगल की बात हो रही है। एंगल ए अगर होता तो साइड्स डिफरेंट होती यहां पे, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि एंगल ए का बेस अलग है, हाइपोटेन्यूज तो देखो दोनों में ही सेम है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ बी, टेंजेंट ऑफ बी को मैं टेन ऑफ बी भी लिख सकता हूं, एब्रीवेशन है इसका, छोटा रूप है, ठीक है। सो टेन ऑफ बी किसकी साइड्स का रेशियो होगा, परपेंडिकुलर और बेस का। तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर एसी, एंगल बी के लिए बेस बीसी, तो ये इन साइड्स का रेशियो हो जाएगा। कोई डाउट? उसके बाद आ जाएगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल बी, इसको मैं कोट बी भी लिख सकता हूं, एब्रीवेशन है। ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया। और बेस परपेंडिकुलर क्या है, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर बीसी है, और सॉरी बेस बीसी है, और परपेंडिकुलर क्या है, एसी। एंगल बी के लिए बेस बीसी, परपेंडिकुलर एसी, कोटेंजेंट आ गया। फिर सीकेंट आ जाएगा, सीकेंट क्या हो जाएगा, सीकेंट को एस ई सी एब्रीवेशन भी यूज कर सकते हैं बी, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर या बेस, बेस कोस का उल्टा है ना, बेस। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ए बी, और बेस कौन सी है इसके लिए, बी सी, ठीक है। उसके बाद कोसिकेंट आ जाएगा, कोसिकेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में कोसेक लिख सकता हूं, और कोसेक ऑफ बी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी, और परपेंडिकुलर हो गया ए सी, वन बाय साइन। हाँ, कोसिकेंट जो है वन बाय साइन, वन बाय साइन ऑफ बी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। बेस नहीं आ रहा, तो ये छह है, बेस क्यों आएगा, टेंजेंट काउंट करने को कौन, तो टेंजेंट में ही बेस कहाँ आता है, टेंजेंट में ही परपेंडिकुलर और बेस, बेस क्यों लिख रखा है मैंने, बेस ही होता है। अच्छा अच्छा, अरे तो टेंजेंट का उल्टा कोट में आएगा ना, कोसिकेंट तो सेक उसका आएगा, साइन का उल्टा आएगा कोसिकेंट, ठीक है, टेन का उल्टा नहीं आएगा, कोसिकेंट होगा वन बाय साइन, वन बाय साइन, और साइन में आपके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ही है, ठीक है। तो ये रेशियोज हैं, और इन रेशियोज, ये रेशियोज जो हैं ये फिक्स रहेंगे, ठीक है। ट्राइंगल की कितनी भी बड़ी साइज हो, कितनी ही छोटी साइज हो, एज लॉन्ग एज दिस एंगल इज सेम, दिस रेशियो विल बी सेम। जब तक ये एंगल बी सेम रहेगा, मान लो एंगल बी की वैल्यू है 30 डिग्री, तो एंगल 30 डिग्री है अगर बी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो उसकी साइज चाहे कुछ भी हो, ये रेशियो सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। और इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये फिक्स हो जाते हैं फिर। गॉट इट?